इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने अमेजन के जेफ बेजोस को पीछे कर दिया है। जेफ, जो कि 2017 से दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की सूची में पहले नंबर पर थे, उन्हें अब इलॉन मस्क ने पछाड़ दिया और अब मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं। मस्क की नेटवर्थ 188 बिलियन US डॉलर से अधिक है, जो कि अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की नेटवर्थ 187 बिलियन US डॉलर से 1 बिलियन डॉलर ज्यादा है। हर एक शख्स मस्क को अपना आइडियल बनाना चाहेगा, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर इंसान ने जिंदगी के संघर्षों को झेलते हुए कम बोला और ज्यादा किया है। इनकी जिंदगी की कई बातें ऐसी हैं जो हर एक युवा को प्रेरित करेगी और जिनसे हर एक युवा को कुछ सीखना भी चाहिए। बात करते हैं इलॉन मस्क के सफर की। तो इलॉन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। वे 17 साल की उम्र में कनाडा आ गए थे। ग्रंज वेबसाइट की रिपोर्ट्स के अनुसार इलॉन बचपन में इतने आत्मविश्लेषी थे कि उनके पेरेंट्स ने डॉक्टर्स को दिखाया था कि कहीं वे बहरे तो नहीं हैं। इलॉन की मां को आखिरकार एहसास हो गया था कि वे डे ड्रीमिंग यानी दिन में काफ़ी सपने देखते हैं। उनकी मां ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कई बार ऐसा होता था कि वो अपनी ही दुनिया में खो जाते थे और उसे आसपास की सुध-बुध नहीं रहती थी। पहले वे परेशान हो जाती थी, लेकिन अब उनका कहना है कि वे उन्हें अकेला छोड़ देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपने दिमाग में कोई रॉकेट डिज़ाइन कर रहे हैं। बात करें अगर इलॉन के अपने पिता के साथ रिश्ते की, तो इलॉन का अपने पिता के साथ बहुत अटैचमेंट नहीं रहा। इलॉन के पिता कभी उनकी ड्रीम्स सपोर्ट नहीं करते थे और इलॉन कह चुके हैं कि उनका बचपन तकलीफ़ों से भरा रहा है। इलॉन ने कई दफ़ा अपने पिता से बातचीत भी बंद की थी। यही नहीं, बल्कि एक बार इलॉन के पिता ने अपने घर में घुसे 3 चोरों को गोली भी मार दी थी। इलॉन बचपन से ही तेज़ बुद्धि के रहे। इलॉन 9 से 10 साल की उम्र में से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने लगे थे। इलॉन ने स्पेस थीम से जुड़ा एक कंप्यूटर गेम बना दिया था और उसे एक कंप्यूटर मैगजीन को $500 में बेच दिया था। इस गेम का नाम ब्लास्टर था और इसे आज भी ऑनलाइन खेला जा सकता है। इलॉन को बचपन में ज़्यादातर समय किताबों में ही जाता था। वे 10-10 घंटे तक किताबों में ही रहते थे। रिपोर्ट्स के अनुसार इलॉन ने इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को 9 साल की उम्र में ख़त्म कर दिया था और फिर उनकी दिलचस्पी साइंस फिक्शन किताबों में बढ़ने लगी थी। कई जगह इलॉन ने इस घटना का जिक्र किया है कि बचपन में उन्हें दूसरे छात्रों द्वारा काफ़ी बुली किया जाता था। एक बार कुछ लड़कों ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे भी गिरा दिया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल जाना पड़ा था। वहीं एक बार उन्हें इतना मारा गया था कि उनकी जान तक जा सकती थी। यही कारण है कि इलॉन ने कराटे और जूडो की ट्रेनिंग 15 साल की उम्र में ले ली थी। आपको बता दें कि इलॉन मस्क दक्षिण अफ्रीका में मिलिट्री ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे कनाडा आ गए थे। वे पीएचडी करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, लेकिन वे महज 2 दिनों में ही इस यूनिवर्सिटी से वापस आ गए थे। दरअसल इलॉन ने 90 के दौर में इंटरनेट बूम का फ़ायदा उठाने के लिए ये फैसला लिया था। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इलॉन मस्क ने कनाडा की लेखिका जस्टिन के साथ साल 2000 में शादी रचाई थी। ये रिश्ता 8 साल तक चला था। 2008 में इलॉन और जस्टिन का तलाक हो गया था। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश एक्ट्रेस तालुला राइली के साथ साल 2010 में शादी रचाई थी। हालांकि 2 साल बाद ही दोनों का रिश्ता खत्म हो गया था, लेकिन उन्होंने एक बार फिर साल 2013 में शादी रचाई, लेकिन 3 साल बाद वे फिर अलग हो गए थे। इसके बाद इलॉन और सुपरस्टार एक्ट्रेस एम्बर हर्ट के रिलेशनशिप को मीडिया में काफ़ी सुर्खियाँ मिली, लेकिन दोनों ने अपनी बिजी शेड्यूल के चलते जल्द ही ब्रेकअप कर लिया था। इलॉन मस्क की पहली पत्नी जस्टिन से उन्हें 6 बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चे की मौत हो गई थी। ये 5 लड़के ही हैं। इलॉन और उनकी गर्लफ्रेंड का इसी साल मई में बेटा भी हुआ। उन्होंने इसका नाम XAEA12 रखा, जिसे उन्होंने बाद में बदलकर XAEAXII कर दिया था। इलॉन इसके चलते सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुए थे। इलॉन मस्क की कमाई के बारे में कहा जाता है कि वे हर सेकेंड 67 लाख रुपए कमाते हैं। इसके बावजूद उनके मन में नए आइडियाज को लेकर गुंजाइश बनी रहती है। बेबाक अंदाज ऊर्जावान इलॉन को सोशल मीडिया पर भी खूब पसंद किया जाता है। इलॉन मस्क अब तक 8 कंपनियों के फाउंडर रह चुके हैं, जिनमें स्पेसएक्स, टेस्ला, हाइपरलूप और बोरिंग कंपनी जैसी कंपनियां शामिल हैं।
उन्हें बोरिंग कंपनी का आइडिया तब आया था जब वे अमेरिका में ट्रैफिक के बीच काफी परेशान हो गए थे। 2016 में उन्होंने ट्वीट किया था कि वे ट्रैफिक से बचने के लिए अंडरग्राउंड सुरंगों का इस्तेमाल करने लगेंगे, लेकिन ऐसा करना काफी महंगा है और उनकी कंपनी अपनी तकनीक और स्मार्ट इंजीनियरिंग के सहारे इसी काम में अब लग चुकी है।